हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इसको प्रूव करते हैं किस तरीके से कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, और उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेंगे। और जब हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि लाइक ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इट मींस ए इज इक्वल्स टू बी। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है ऑलरेडी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो उस केस में ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसमें हम सपोज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज एक्स, स्मॉल एक्स मैंने लिया, एक्स कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी हम इसको और इलेबोरेट करके लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं, और ओ आर और लिख दिया हमने, एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक, और ज्यादा इलेबोरेट करें क्या कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और इस वाले यूनियन को भी क्या लिख लिया हमने अब, और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक, अब देखो अभी तक ये दोनों एक ब्रैकेट में थे, अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए बाहर और एक्स बिलोंग्स टू बी और x belongs to c, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x belongs to b और c means b union c। ठीक, और इलेबरेट करते हैं, तो x belongs to a, इस वाले और को क्या लिख देंगे, यूनियन x belongs to बी यूनियन सी, और नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि हमारा ये जो आया है ये किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये के राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो इसके हिसाब से x क्या है हमारा, देखो हमने क्या सपोज किया था कि x जो है वो बिलोंग करता है इसको, मींस लेफ्ट हैंड साइड को वो बिलोंग करता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है राइट हैंड साइड को, मींस x एक एलिमेंट है जो कि इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है, दोनों को बिलोंग करता है। तो अब हमारा ये क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ये लेफ्ट हैंड साइड को भी बिलोंग करता है x और अब राइट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं यस दिस इज अ सबसेट ऑफ। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यस लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक, तो एक तो हमारे पास ये हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके किया है, और अभी हम सेम करेंगे किसके साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो एक बार वो देखें, इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे एक बार, तो राइट हैंड साइड है ये, और ऐसे ही सेम लेंगे कि सपोज एक्स इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम इसको और ज्यादा इलेबरेट करते हैं, तो एक्स बिलोंग करता है किसको, ए को, और यूनियन को क्या लिख सकते हैं हम, और
और एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी को। अब देखो हमें क्या लाना है, इसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लानी है हमें, जहां पर ए और बी एक साथ है यूनियन में और सी ब्रैकेट के बाहर है। तो अब यहाँ उस फॉर्म में धीरे धीरे हम इसको लेके आएंगे सॉल्व करके। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, और इस वाले यूनियन को भी क्या लिख लेंगे हम, और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, और की जगह वापस से क्या लिख सकते हैं, यूनियन। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इस वाले और की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू सी, और सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है किसको, राइट हैंड साइड को, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, एक्स बिलोंग करता है लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसी तरीके से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कि जब एक्स इसका एलिमेंट है और इसको भी बिलोंग करता है, इट मीन दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, द सबसेट ऑफ ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी हमने यहाँ पर एक अप्रोच ये पढ़ी थी कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है, इट मीन दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो वही यहाँ पर अभी हम लगाएंगे। अभी हमने इसको हम सेकेंड लिख सकते हैं। तो अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ये जो है इसका सबसेट है, और अभी हम जो देख रहे हैं ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट आ रहे हैं। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हम क्या लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमने ये वाली अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करी है। तो हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।